नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति शर्मा और आप लोग देख रहे हैं कुक विद श्रुति। आज मैं आपको पनीर चस्का बनाना बताऊंगी। आइए जाने इसकी सामग्री। ये मैंने एक बड़ी कटोरी मूंग की दाल ली है, जिसे मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अब भिगो के मैंने इसे छान के रखा हुआ है। इसे मैं पीसूंगी। ये मैंने पनीर लिया है, ये पाव भर पनीर है, और इसे मैंने टुकड़ों में काट लिया है। एक प्याज बारीक कटा हुआ और एक गाजर जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये धनिया पत्ती है, ये कसूरी मेथी 1 चम्मच है जिसे मैंने सेक के क्रश कर लिया है। एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई और सरसों का तेल और ये घिसी अदरक, चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर, काला नमक, सादा नमक। तो आइए हम बनाते हैं पनीर चस्का। सबसे पहले मैं कटी पनीर में सादा नमक, काली मिर्च पाउडर, जो मैंने कसूरी मेथी भून के क्रश की थी, मैं थोड़ी सी ये भी डाल देती हूँ, आधा छोटी चम्मच के लगभग। और मुझे इसे मैरिनेट करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। हमें मूंग की दाल है जो मैंने इस जार में डाली है और थोड़ा सा पानी डाला है। अब मैं इसे पीस के इसका पेस्ट बनाना है मुझे। ये देखिए, मैंने दाल पीस के इसका पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसमें कटा प्याज, घिसी हुई गाजर, आप अगर इसमें कोई और सब्जी भी ऐड करना चाहती हैं तो वो भी ऐड कर सकती हैं, हरी मिर्च, अदरक और धनिया पत्ती। अब मैं इसे मिला लेती हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें सब्जी मिला ली थी, गाजर और प्याज। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक, डाल के मिला लूँगी। मुझे इसमें और कोई मसाला नहीं डालना है। ये देखिए, ये घोल ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा। मैंने गैस ऑन करके पैन गरम कर रखा है। अब हम बनाते हैं पनीर चस्का। ये जो मैंने लगा के पनीर पे कसूरी मेथी, नमक और मिर्च रखा था, ये 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें दाल में डिप करके मैं इसे सेकूंगी। इसमें मैं हल्का सा ऑयल लगा लेती हूँ। मैंने सरसों का तेल यूज किया है, आप तो आप घी या रिफाइंड चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं। मैंने ऑयल डाल दिया है, तो मैं इसे अच्छे से मिला दूंगी। आप चाहे तो हाथ की सहायता से या चम्मच की सहायता से, जिससे भी चाहें। हमें इसे धीमी आंच पे दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाना है। मैंने दोनों तरफ से पनीर चस्का को सेक लिया है। देखिए, दोनों तरफ से हो चुका है। ये गर्मा ही गर्म खाने में बहुत अच्छा लगता है। आइए अब हम इसको सर्व करते हैं। मैंने ये पहले से प्लेट तैयार कर रखी है। अब मैं इसमें ये पनीर चस्का डालती हूँ। ये देखिए, मैंने इसे पनीर चस्का मैंने प्लेट में डाल दिया है। ये मैंने सलाद बनाया है, टमाटर, खीरा और प्याज मेन मेन काट लिया। इसमें मैंने नींबू, नमक, काली मिर्च और धनिया पत्ती डाल के, क्योंकि इसके साथ बहुत अच्छा लगता है।
तो मैं थोड़ा सा किनारे रखूंगी। और मैं इसके ऊपर काला नमक। अब पनीर चस्का बनाते समय आप पनीर कोई भी शेप में काट सकते हैं, जैसे आपका मन हो, लंबा, तिकोना, चौकोर। काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला और थोड़ा सा सादा नमक। मैं इसमें हल्का सा पनीर क्रश कर दूंगी। ये लीजिए, तैयार है हमारा पनीर चस्का। खाइए और खिलाइए। तो हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।